वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि चीनी का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के बारे में आज की वीडियो में आप जान पाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो ज़्यादा सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, शहद के अलावा किसी भी चीज़ का खाना जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, यानी चीनी की दूसरी जो सूरत है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे कि माहरीन के मुताबिक तहकीक के जरिए उन्होंने ये जाहिर किया कि बोतलों और मशरूबात में शामिल चीनी जो है वो इंसानी सेहत को ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो नुकसान पहुँचाता है। इसकी वजह से माया हालत में चीनी बहुत जल्द जो माया हालत यानी पानी की शक्ल में जो चीनी जो जूस वगैरह में मिक्स होकर आ रही होती है हमारे पास, बहुत जल्द जो है वो जिगर तक पहुंचती है, जहां इसे प्रोसेस करने के लिए जिगर को जोर लगाकर तेजी से काम करना पड़ता है। इसके नतीजे में ये होता है कि जिगर को चीनी चीनी को चर्बी में जो है वो बदल देता है। मीन्स ये अमल मुसलसल जारी रहता है तो इंसान को डायबिटीज हो सकती है और इंसान को डायबिटीज का निशाना मीन्स ये अमल जो है मुसलसल जारी रहता है तो इंसान जो है वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि आम ख्याल किया जाता है कि ज़्यादा चीनी खाने से जो है वो डायबिटीज होती है, मगर इंसानी जिस्म में शक्कर की ज्यादती जो है वो दिल की बीमारियों को भी जन्म देती है। दरअसल चीनी मीठी अशिया ज़्यादा खाएं तो इसका बदन बतौर रद्द अमल जो है वो किसी मकदार में जो है इंसुलिन जो है वो आपका जिस्म जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। इंसुलिन की गैर फितरी ज्यादती ही है जो खराबियों को इंसुलिन की गैर फितरी या गैर फितरी ज्यादती जो है वो और खराबियों को भी जन्म देते हैं। इंसुलिन ज्यादा हो तो इंसान का ब्लड प्रेशर जो है इससे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल जो HDL जो है वो कम हो जाता है और खून में चिकनाई की एक किस्म जो है वो भी बड़ी तादाद में जन्म लेती है। ये तमाम अवामल जो है वो दिल के अमराज को पैदा करते हैं और इसके अलावा थकन का जो एहसास होता है वो भी चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। और नेक्स्ट ये है कि खून में हर वक्त चीनी की मौजूदगी जो है वो हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। हमारे गुर्दों का काम ये है कि खून से जहरीले मादे छान कर निकालते रहना। जब खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाए तो ऐसे मादों को निकालने के लिए गुर्दों को मामूल से ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है। जब गुर्दे तवील अरसे तक इसी सरगर्मी में एक्टिविटी में मशगूल रहते हैं तो आखिरकार ये अपनी कुव्वत जो है वो खो बैठते हैं, यूँ इनके बिगड़ने का मरहला जो है वो शुरू हो जाता है। माहरीन ने तहकीक से जाना है कि ज़्यादा मीठी अशिया खाने पीने से गुर्दे और जिगर दोनों को जो है वो गैर फितरी तौर पर इनको जो है मुतासर करता है। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा हो, प्लीज़ अमीजीद अवेयरनेस और अगाई के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।